जोमेटो से यार को लेकर, जोमेटो इस पर आपको रखनी है नजर, ये भी आपके लिए एक्शन में होने वाला है। और आज एक दमदार रिपोर्ट आई है आईसीआईसी सिक्योरिटीज की तरफ से जोमेटो पर। क्या है इनकी राय, क्या है इनका मानना, आइए एक बार जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, वैसे तो रोज खबरों में रहता है जोमेटो, अब क्या नई रिपोर्ट आई है इस पर? बिल्कुल, आईसीआईसी सिक्योरिटीज की एक दमदार रिपोर्ट आते हुए दिखी है। उन्होंने जो टारगेट है वो 120 से बढ़ाकर 160 का टारगेट जो है वो आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने कर दिया है। अब वो टारगेट बढ़ाने के पीछे जो उन्होंने तर्क दिए हैं, उसमें सबसे पहला तर्क उन्होंने ये दिया है कि जो फूड डिलीवरी सेगमेंट का एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है, जो मैनेजमेंट ने कहा था 4 से 5% आने वाली कुछ तिमाहियों में होता हुआ दिखेगा, आने वाली 3 या 4 तिमाहियों में, उनका यह कहना है कि ये Q3 FY24 में ही कंपनी ये टारगेट जो है ये अचीव करती हुई दिखेगी। उसी के साथ साथ कंपनी का डिलीवरी के हिसाब से कंपनी बोल रही है कि जो वर्ल्ड कप और उसी के साथ साथ जो फेस्टिवल डिमांड है उसके चलते वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी आएगी। ब्लिंकिट के एडजस्टेड इबिट्टा लेवल पर अगर आप देखें, एडजस्टेड इबिट्टा लेवल पर मुनाफे के आने के लिए कंपनी बोल रही है कि Q1 FY24 में ही हो सकता है कि कंपनी यहाँ पर अचीव करती हुई दिखे। और हाइपर प्योर वहां पर भी जिस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा जो है आपको एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ अगर आप देखें तो वहां पर -5.2% है, वो जल्द ही घटकर लगभग -3% के आसपास आता हुआ दिखेगा। इसी के चलते दिखा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बढ़िया टारगेट रेस करा। और अगर आप लगातार अब जो टारगेट्स ब्रोकरेजेस हाउस के हैं जिसमें आप आईसीआईसी सिक्योरिटीज का सबसे ज्यादा 160 का होता हुआ दिखा है, वेंचुरा की बात करें तो वहां पर 156 है, एलआरआओ 130, जेफरीज 130, मॉर्गन स्टैनली 125, तो लगभग 120 या 120 से ऊपर तो कई सारी ब्रोकरेजेस हाउस है जो बढ़िया टारगेट देती है। और कल हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी था, कल ही आपने देखा दोनों टारगेट्स भी हिट हो गए। खबर भी थी मुंबई में कुछ स्विगी के डिलीवरी बॉयज एक फ्लैश स्ट्राइक पर चले गए थे, जिसका फायदा जोमेटो को भी है। आज भी आप देख रहे हैं जोमेटो बढ़िया मूड माहौल में दिख रहा है और 160 तक के टारगेट की बात की जाए, 160 तक के, खैर हमारे भी 150 तक के तो टारगेट है, 150 के टारगेट तो हमारे हैं, हमारे से आगे निकला इसी से फ्रेश टारगेट आ गया है। और कहीं वो दिखे भी नहीं इंटरव्यू देते हुए, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में साफ कहा था, उस समय पहली बार ये एबिटा पॉजिटिव हुआ था जोमेटो पिछले क्वार्टर में, और तब उन्होंने ये कहा था कि भाई अभी हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं साल का, 3.5 से 3 साल में हम 1000 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, जितना अभी रेवेन्यू उतना ही प्रॉफिट होने वाले हैं, तो वो दिख रहा है। और अब इस बार के जो नंबर्स आएंगे ब्लिंकिट के और इनके, जो अगर वहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखा, देखिए इसका तो दिखना ही दिखना है, ब्लिंकिट का देखेंगे क्या होता है। सो आई थिंक नतीजे के पहले अच्छी 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी 10,000 करोड़ बट वैसे वो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है ना जोमेटो, रखिए इसको अपने रेडार पर। एक चार्ट चेक जरूर ले लेते हैं जोमेटो पर, क्योंकि वैसे अच्छे मोमेंटम में रहता है। हिमांशु जी एक बार जरा चार्ट देखें, आज भी 109 के लेवल पर है जोमेटो, डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है सर। आज सेटअप स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हमारी रिसेंट रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, और मुझे लग रहा है कि वैसे भी जिस तरह से वर्ल्ड कप के माहौल के चलते भी यहाँ पर थोड़ा बहुत सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी स्टॉक को होल्ड करें, और जिस तरह का चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर है मुझे लगता है 125 रुपए तक की अपसाइड शायद नियर टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपके पास इसमें स्टॉक में पोजीशन है तो 105 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड में 115-120 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो लगातार बार बार आशीष सर को भी पसंद आता हुआ दिखा, एक बार आशीष सर की राय ले ली जाए, नहीं तो पता चला कि टारगेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आशीष सर ने। जी सर बताएं। नहीं अनिल जी बिल्कुल, ये स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट में भी दिया, और मैं बार बार अनिल जी डिस्क्लेमर जरूर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, दिस इज माई वन ऑफ द रेयर इन्वेस्टमेंट जो मैंने पर्सनली निवेश किया है जिसके अंदर, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए किया अनिल जी। ये मतलब यानी जी स्विगी वाली न्यूज तो देखिए बीच बीच में आ गई, अब कल अगर आ जाएगी कि स्विगी से सारा ठीक हो गया तो क्या 10 रुपए घट थोड़ा जाएगा, तो मतलब वो उस न्यूज के चलते तो कोई मतलब ठीक है एक स्पाइक मिल जाता है, बट अनिल जी वैसे ही मतलब जिस तरह से कंपनी काम कर रही है और बढ़ रही है आगे एक बड़ा पुश मिलेगा, वर्ल्ड कप जरूर देगा, वो भी टेम्परेरी चीज है, लेकिन अनिल जी ये परमानेंट बेसिस पे जब आगे अच्छा काम करने लग जाएगी तो बहुत अच्छा चलेगा, तो इसलिए मेरे को तो लगता है प्योर डिलीवरी स्टॉक नो स्टॉप लॉस, प्योर डिलीवरी स्टॉक नो स्टॉप लॉस रखिए पोर्टफोलियो में, कोई परेशानी नहीं है। और काफी निचले स्तर से 45-50 के लेवल से लगातार अनिल जी की तरफ से भी जोमेटो पर रिकमेंडेशन रही है, वहां से तो डबल से भी ज्यादा आ गया है, और अभी भी होल्ड करने की राय आ रही है सर की तरफ से।